फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। आज हम पी ब्लॉक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बोरोन फैमिली को डिस्कस किया था। बोरोन फैमिली का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होप आपने रिवाइज किया होगा, अच्छे से रिवाइज करना। अभी आपका टेस्ट लेते हैं, आपने रिवाइज किया या नहीं किया। तो चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। और क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक कंपाउंड है TLI3 और उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ TL। क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ TL फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास क्या है? +3, +1, जल्दी से आंसर करो, +2 and -2, राइट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? देखो सोल्व किया होगा आपने, क्या बताया आपने कि आई पे आपको पता है हेलोजन पे चार्ज क्या होता है? -1 चार्ज होता है। और अगर हेलोजन पे चार्ज -1 है तो आपको क्या लग रहा होगा कि TL पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज कौन सा होगा? प्लस। और प्लस क्या होगी? 3 हेलोजन है तो -3 का चार्ज होगा। -3 का चार्ज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए TL पे चार्ज कितना आना चाहिए? +3 आना चाहिए। तो 95% स्टूडेंट ने तो +3 ही आंसर किया होगा, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ TL इज +1 एंड द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेस इफ वी मूव इन ए ग्रुप टुवर्ड टॉप टू बॉटम। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन मैंने आपको बताया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो TL आपका प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज 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 इसमें प्रेजेंट होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स I3- पे चार्ज क्या एग्जिस्ट करेगा? -1 एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा TL पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? +1 होगा, राइट। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने स्टार्ट कर दिया था, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम आगे रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। और वो रिएक्शंस क्या होने वाली है अभी आपके पास, हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पे आने वाली, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, विच इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब एयर में मेनली जो गैस प्रेजेंट है, हमें पता है बहुत सारी टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती है। मेनली जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की जो रिएक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन की नेचर में दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड इज एमोर्फस फॉर्म। जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ड्यू टू द हाई पैक स्ट्रक्चर इट इज हाईली अनरिएक्टिव, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करती। बट इसकी जो एमोर्फस फॉर्म है वो क्या हो सकती है? स्लाइटली रिएक्टिव होती है, मतलब ये रिएक्शन इसका करना पॉसिबल है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब रिएक्शन हम कराएंगे मॉलिक्यूल्स की, इस बोरोन एलिमेंट की जब रिएक्शन होगी किसके साथ? एयर के साथ। तो अब जो टेम्परेचर लिया जाता है इस रिएक्शन में वो क्या लिया जाता है? हाई लिया जाता है, क्योंकि रिलेटिवली इसकी जो रिएक्टिविटी जो है वो क्या है? कम है। तो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो अप कर देते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली इस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट। बट जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है वो तो रिएक्ट कर ही सकता है, तो हम इन दोनों एलिमेंट की एक जनरल बेसिक रिएक्शन क्या होने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो कोई भी एलिमेंट लिया, चाहे वो बोरोन हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड मॉलिक्यूल। क्या कन्वर्ट हो जाएगा? E2O3 मॉलिक्यूल में उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एलिमेंट चाहे वो बोरोन हो एल्यूमिनियम हो या कोई भी एलिमेंट, तो कोई भी एलिमेंट किसका? बोरोन फैमिली का। जो N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा? EN मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल रिएक्शन जो सिर्फ बोरोन की पॉसिबल है, और अभी हम चलो उनको डिस्कस कर ही लेते हैं। स्क्रीन पे आ रही है आपके पास बोरोन के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं कि बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा।
सेम अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएगा, और हेलोजन के साथ जैसे रिएक्शन होगी X2 के साथ तो ये BX3 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। और अगर बोरोन की रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ कराई तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इससे रिलीज होती है। अब फिर इसको कैसे आपको रिवाइज करना होगा, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार आप बोर्ड पे देखो, आप नोट डाउन करो, फिर से लिखो एक बार, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, मिनिमम आपको मैं बोलती हूँ 5 बार अगर आपने रिएक्शन लिख ली ना तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा सब, तो उसमें तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो क्या है हम बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो है BX3 का। और BX3 के मैंने एग्जाम्पल ले लिए, एक तो वन इज BF3 एंड वन सेकेंड इज BCl3, BBr3 एंड BI। क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है वो पूछा जाता है लुइस एसिडिटी ऑफ दिस बोरोन ड्राई हैलाइड, इनकी एसिडिक करेक्टर क्या होगा, जरा मुझे सोच के बताइए। देखो क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट जनरली यूज किया जाता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर उस कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल का क्या करता है, इंक्रीज करता है। और हमें पता है कि फ्लोरीन जो हैलोजन है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट होता है। तो होना क्या चाहिए कि जो बोरोन जो फ्लोराइड है, ट्राई फ्लोराइड, उसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन BCl3, BBr3 एंड BI3। बट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो ऑर्डर हमें मिलता है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, BI3 इज मोर इज हाईली एसिडिक देन BBr3, BCl3 एंड देन BF3। अब ऐसा क्यों हुआ उसको भी समझना पड़ेगा, उसका रीजन भी हमें समझते हैं किस टाइप से होगा। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो होता है बैक बॉन्डिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट है, बैक बॉन्डिंग। देखो क्या होता है, बोरोन आई, एक मैंने आई ले लिया और एक मैंने ले लिया बोरोन और फ्लोराइड, हमें पता है दोनों लुइस एसिड है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होता है, क्लोरीन से कंपेयर करते हैं, ये बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, एक एक करके तो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बोरोन के साथ ओवरलैप कर रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे भी कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, 2p। यहाँ पे 2p वैकेंट p ऑर्बिटल की कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी, 3p के साथ। तो एक्चुअल में क्या होगा, f के पास 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जहां पे उसकी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या हो सकता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये इसको डोनेट कर सकता है बोरोन को, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता है। इसी को क्या बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग बोला जाता है, राइट। अब ये जो बैक बॉन्डिंग है ये ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होगी, फ्लोरीन एंड बोरोन के केस में, क्योंकि 2p 2p ओवरलैपिंग जो होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी कंपेयर टू 2p 3p ओवरलैपिंग। मतलब ये जो फ्लोरीन है ये पहले ही उसकी लुइस एसिडिक करेक्टर को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो उससे क्या होगा, बोरोन को पहले से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो अब वो ट्राई नहीं करेगा कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो आए, कोई बेस देने के लिए आए तो वो उससे रिएक्ट करे। तो रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3p है, ये 4p और 5p। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग, जैसे जैसे p ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाएगा तो उस रिस्पेक्टिव 2p की उस 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली नहीं कर पाएगा, तो उसकी लुइस एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर अ पॉइंट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं रिएक्शंस में एक इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, ऑक्साइड। क्या था, ऑक्साइड। बोरोन भी अपना ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम भी अपना ऑक्साइड बना रहा है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि ये एक ऑक्साइड है B2O3। मतलब हम एक टॉपिक ही स्टार्ट कर लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड, राइट। B2O3 जो ऑक्साइड होगा
वो किस नेचर का होगा? ये होगा एसिडिक। ये किस नेचर का होगा? एसिडिक इन नेचर होगा, राइट। और जो Al2O3 ऑक्साइड है आपका, ये किस नेचर का होगा? एम्फोटेरिक नेचर, मीन्स इट कैन बी रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो उसके बाद जो दो ऑक्साइड होंगे, जो ये जो ऑक्साइड होंगे, ये किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के। किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे, राइट। मतलब जैसे आप जो आपको पता भी है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो जो ऑक्साइड होंगे उनकी बेसिसिटी बढ़ेगी और उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेचर ऑफ ऑक्साइड भी हमने डिस्कस कर लिया। उन्हीं रिएक्शन से हमें दो पॉइंट मिले। हमने जनरल रिएक्शन डिस्कस किया। देखो हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने स्टार्ट किया कि रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्शन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो एयर में हमने ये बोला कि जो बोरोन है उसकी जो एमोर्फस फॉर्म है वो रिएक्टिव कैन बी रिएक्ट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ओनली, ओके। एंड एल्यूमिनियम के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो इजीली रिएक्ट हो रहा था। दोनों के रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई जिसकी, बोरोन की, जिसमें वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, एंड लास्ट वन अमोनिया के साथ वो रिएक्ट कर रहा था, जहां पे वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा था, राइट। उन्हीं से पॉइंट क्या निकल के आया, लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड, वो हमने डिस्कस कर लिया। और उसी में से हमने एक ऑक्साइड भी बनाया था, तो उनके ऑक्साइड की नेचर को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मैंने बोला कि ये एम्फोटेरिक है Al2O3, इसको अब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस टाइप से, क्योंकि अब किस टाइप से क्या कि ये जब रिएक्ट करेगा ना एसिड के साथ या किसके साथ, बेस के साथ, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन पॉसिबल है। सेम ऐसा एल्यूमिनियम एलिमेंट के साथ भी होता है, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सो स्टूडेंट्स, जब हम बोरोन की एसिड या बेस से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, वो रिएक्शन नहीं करेगा। बट एल्यूमिनियम क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर का है तो वो H+ के साथ भी रिएक्ट करेगा और OH- के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल होगी उसकी। तो उसका प्रूफ हमारे पास रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम की जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्यूमिनियम का एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिल जाएगा, वाटर एजी लिगेंड उस एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगी, राइट। और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या वेरीफाई कर रही है कि एल्यूमिनियम इज बेसिक इन नेचर, तभी तो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। सेम अगर वो एम्फोटेरिक है तो वो NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा, और जब वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इस टाइप का सोडियम टेट्रा ऑक्साइड एल्यूमिनेट टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें मिल जाएगा। तो हमें प्रूव मिल गया कि दिस आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सो इट कैन बी रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, राइट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब भी एल्यूमिनियम की जो सरफेस है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन से, देखो एल्यूमिनियम की शीट जो यूज करते हैं हम, उस एल्यूमिनियम की शीट पे जैसे ऑक्साइड बनेगा उसका पैसिवेशन हो जाता है, मतलब वो पैसिव सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये जो है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए उसको क्या कर देती है, रोक देती है, राइट। तो इससे क्या हेल्प होती है कि हम ये जो ऑक्सीजन है ये एल्यूमिनियम की जो सरफेस है वो इजीली जो है वो खराब नहीं होती, राइट। जो अपन किचन में जो यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी तो इसी का एग्जांपल है। वो उसमें भी जब फॉर्मेशन के टाइम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसके बाद पैसिव सरफेस बन जाती है, और तो उसके बाद वो इजीली किसी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं हो जाती, क्योंकि तो फिर उसका पैसिवेशन हो जाता है, पैसिव सरफेस में वो कन्वर्ट हो जाती है, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ओल्ड। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरेज, राइट ऑन द हेडिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरेन। तो कैसे एक्सट्रैक्शन होता है बोरेन का, वो हम डिस्कस करते हैं। जो बोरेक्स है Na2B4O7, उसकी जब HCl के साथ रिएक्शन होती है
तो HCl के साथ, मतलब जब HCl हम डाइल्यूट एसिडिक फॉर्म में वाटर भी ऐड करके HCl जब ऐड करते हैं तो सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें, ऑर्थोबोरिक एसिड में, विच इज H3BO3। अब इस H3BO3 को जब हीट किया जाएगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, बोरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया, इसको हीट करने के बाद ऑर्थोबोरिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लिया, तो वो क्या बन गया, बोरिक एनहाइड्राइड, या क्या बन गया, बोरिक ऑक्साइड। अब क्या करना है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, बोरॉन हमें निकालना है, ये खुद ऑक्साइड है, तो इसको इसमें क्या डालना पड़ेगा, हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा और हमारे बोरोन एलिमेंट को अलग से हमें मिल जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो हमें बोरोन मिलेगा वो 95-96% क्या होता है, प्योर होता है, राइट। एक और मेथड अगर हम बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, जितने मैंने एग्जांपल लिखे हैं एक्चुअली इम्पोर्टेंट ही है। Bi3 बोरोन ट्राई आयोडाइड की जब रिएक्शन कराओगे रेड हॉट टंगस्टन के साथ, तो बोरोन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में अलग हो जाएगी, I2 भी मिल जाएगा आपको। ये मेटलर्जी में भी पढ़ा जाता है, वॉन आर्कल मेथड में। और कैसे कर सकते हैं, डाई बोरेन लिया, उसको हीट किया, बोरोन और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बोरोन ट्राई हैलाइड लिया, उसके लिए भी जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया, तो आपको ZnCl2 और आपको क्या मिल जाएगा, बोरोन मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ कि इन मेथड से हम बोरोन, बोरोन और बोरोन को रिमूव कर सकते हैं। चारों रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लिख के इसको याद कर लेना। बोरेक्स से क्या कर रहे हैं, HCl वाटर H3BO3, उसको हीट किया B2O3, फिर उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई, तो ये क्या बना दिया, उसने 2B बना दिया। फिर वॉन आर्कल मेथड, डाई बोरेन, BCl3, चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बोरेक्स ही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बोरोन फैमिली का। तो राइट डाउन द हेडिंग बोरेक्स, प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन द हेडिंग बोरेक्स। तो बोरेक्स आपने हेडिंग डाली, बोरेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, राइट। इसको क्या बोलते हैं, अदर नेम टिंकल भी होता है। ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बोरेक्स है, जो हम फॉर्मूला जनरली यही फॉर्मूला लिखा होता है Na2B4O7.10H2O, बट इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। और इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2B4O5 और हाइड्रोक्साइड 4 आयन जो होते हैं वो ऐसे लिगेंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस आयन को क्या बोला जाता है, टेट्राबोरेट आयन जो होता है। सिर्फ हाइड्रेटेड जो पार्ट में वाटर प्रेजेंट होता है वो ओनली 8H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 10H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में है या 8H2O है या 6H2O है, तो आपका आंसर क्या होगा, 8H2O, राइट। अब हम इस टेट्राबोरेट आयन की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो चार बोरोन है, मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना बताती हूँ किस टाइप से देखते हैं। चार बोरोन है तो सबसे पहले मैंने चार बोरोन को कुछ इस टाइप से लिख लिया, राइट। अब क्या करना है, इन जितने भी चार बोरोन है उस हमारे पास है कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, तो हमें क्या करना है, 5 ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से हमें बॉन्ड बनाना है। दो दो बोरोन के बीच में हमने बॉन्ड बना दिया, और अब क्या करना है, दो बोरोन के बीच में हमें बॉन्ड बनाना है। तो ये एक सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, तो उस एक ऑक्सीजन को हमें किस तरह से बनाना है, इस टाइप से फॉर्म करना है, राइट। अब हमारे पास क्या है, चार OH मॉलिक्यूल बच गए, तो उन चार OH को किस टाइप से आपको अटैच करना है, देखो चार OH को हमें अटैच करना है, तो इसको अटैच करते हैं हम, देखो राइट। तो ये बन गई किसकी स्ट्रक्चर, टेट्राबोरेट आयन की स्ट्रक्चर होगी। तो जब इस स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो इस स्ट्रक्चर में ये जो बोरोन है उसके चार बॉन्ड है, sp3 यूनिट है आपकी किसकी, बोरोन की। और ये जो बोरोन है वो कौन सी यूनिट है, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, sp2 हाइब्रिड है, तो ये हमें कौन सी यूनिट मिल रहा है, sp2 यूनिट मिल रहा है, किसकी, बोरोन की यूनिट मिल रही है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर से भी आ सकता है कि जो बोरेक्स आपका जो कंपाउंड है
उसमें कितने टाइप के बोरोन एलिमेंट प्रेजेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को रखते हैं। तो दो बोरोन जो है, ये दोनों बोरोन sp3 यूनिट है और ये दोनों बोरोन कौन सी यूनिट है, sp2 यूनिट है, राइट। ये जो आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिस बोरेट्स है, अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाए इन वॉटर, तो अगर हमने वॉटर में इसको डिसॉल्व कर दिया तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये किस नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जब इसको डिसॉल्व किया जाता है वॉटर के साथ तो ये क्या बनाता है, कुछ एक्वस एल्केलाइन टाइप का सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करता है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं किस टाइप से करता है। अब जैसे बोरेट से हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें प्रैक्टिकल जो याद आता है जो लैब में हम करते हैं वो बोरेट्स बीड टेस्ट है। उसको भी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला आपको कि ये जो Na2B4O7 है, इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, H3BO3 मिलेगा, जो हमें मिलना था ऑलरेडी। और उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, उसके साथ साथ हमें मिलेगा NaOH, क्या मिलेगा, NaOH। तो याद करो पहले रिएक्शन पड़ी थी हमने बोरेक्स की एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में, तो हमने HCl प्लस वाटर डाला था। तो वो HCl एक्चुअल में क्या कर रहा था, ये जो NaOH बन रहा था वाटर की रिएक्शन के साथ, उसको न्यूट्रलाइज करके किसमें कन्वर्ट कर रहा था, NaCl में कन्वर्ट कर रहा था। तो मैंने डायरेक्टली वाटर ऐड किया है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका एल्केलाइन, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, NaOH इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, राइट। तो अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, विच इज बोरेक्स बीड टेस्ट। राइट ऑन द हेडिंग बोरेक्स बीड टेस्ट, याद करो लैब में आपने कैसे किया था। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, बोरेक्स को हीट किया जाएगा। तो जैसे आप हीट अप करोगे बोरेक्स पाउडर को, सबसे पहले लूज हो जाएगा कौन सा वाटर, जो है आपका जो क्रिस्टलाइन वाटर जो था H2 जो मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल इस बोरेक्स पाउडर से रिमूव होगा, वैसे ही जो कंटेंट है वो स्वेलअप हो जाएगा, और उस स्वेलअप मटेरियल को जब आप और हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में, और वो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है वो सॉलिडिफाई होके एक बीट की एक क्लासी बीट जो है वो फॉर्म करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, बोरेक्स बीट। पता है ये बीट तो बन गई, अब हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो देखिए क्या बनता है, वो भी देखिए कैसी रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले ये मैंने लिया बोरेक्स, तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर जो है हीट करेंगे तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, Na2B4O7। अब उसको वापस से जब हीटअप किया जाएगा तो जो कंपाउंड है वो बोरोन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और मेटाबोरेट बनाएगा। बस यही से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा इस मेटाबोरेट से। जब हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट को यूज करेंगे सेम प्रोसेस के लिए, मतलब बीड बनाने वाले प्रोसेस को वापस से हम लेके आएंगे विदाउट कोई मेटल सॉल्ट, आप डायरेक्टली बोरेक्स पाउडर को हीट करते हैं तो डायरेक्टली आपको एक ट्रांसपेरेंट बीड जो है वो मिल जाएगी लाइक दिस। एंड जब आप कोई भी मेटल सॉल्ट लिया, मतलब आपने बोरेक्स पाउडर लिया उसके साथ मेटल का सॉल्ट आपने ऐड कर दिया, प्लेटिनम वायर में करनी है ये रिएक्शन, और सेम प्रोसेस को आपने किया, तो जो आपकी कलर जो ट्रांसपेरेंट बीट थी, अब उस रिस्पेक्टिव मेटल के सॉल्ट के कलर के अकॉर्डिंग वो एक कलर्ड बीट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड का सॉल्ट लिया हुआ है, तो जैसे आप उसके साथ जब रिएक्शन होगी मेटाबोरेट बनेगा फाइनल रिएक्शन का प्रोडक्ट, तो वो आपकी जो बीट है वो किस कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। तो मतलब ये हम आइडेंटिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, लैब टेस्ट है मेटल सॉल्ट के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट था बोरेक्स बीड टेस्ट, पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, किस टाइप से बीड बन रही है और किस टाइप से मॉलिक्यूल का आपको कलर मिल रहा है, राइट। क्लियर हुआ। अब दो टॉपिक और बचे हैं, ज्यादा नहीं बचा आज, इतना ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड है बोरोन फैमिली में और डाइबोरेन है, बस दो उनको पढ़ना है। बहुत अच्छे लेवल पे हमने डिस्कस कर लिया, अब आपको कोई भी बुक उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इस लेक्चर से देखिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए लेक्चर, रिएक्शन जो मैंने बताई आपको उसको लिख के आप याद करिए अच्छे से, इजीली आपका हो जाएगा फिर, राइट। तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है, बस एक लेक्चर और, वो भी इतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा आई थिंक सो, तो उसके लिए वेट करिए, कल देखते हैं अपन।
वापस से फिर लोग और फैमिली के साथ, तब तक के लिए बाय और